ओके देखो, आज की क्लास में सबसे पहले तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे काम कैसे करना है, सीखना कैसे है, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, बहुत ध्यान देना, इसको हल्के में मत लेना। बहुत मजेदार टॉपिक है और ये इतना इजी टॉपिक है ना, अकेले मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है ना। तो और दूसरा, गलती मत करना कि मोबाइल नंबर पूरा होता है 10 नंबर का, तो 10 नंबर में किसी 2 नंबर को लेकर के कोई डिसीजन मत ले लेना किसी के बारे में भी, ठीक है। जैसे किसी के पास में 1-4 आ गया, 1-4 कर्जे का कारक है, लेकिन उसका अपोजिट कोई नंबर अगर उसके पास में है जो कर्जा नहीं दे सकता, तो फिर ये नहीं पकड़ोगे कि कर्जा होगा बंदे के पास में। जैसे अफेयर का हो गया, किसी का लास्ट में 23 आ गया, 2 बार आ गया 23, लेकिन एक नंबर 17 आ गया, तो कहीं भी ये गलती मत करना कि सिर्फ दो दो नंबर को देख करके आप सीधा बोल दो कि तू ऐसा है तैसा है। नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं किसी का भी मोबाइल नंबर में 2 पैर देख के मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं क्यों करता हूँ मालूम है, कि जब मैं वो 2 नंबर पे देखता हूँ, मैं आगे पीछे देख लेता हूँ कि इसका अपोजिट नंबर तो नहीं है। जैसे गरीब का नंबर है लास्ट का 2 नंबर, लेकिन एक अमीर का नंबर है, तो उसकी गरीबी खत्म कर दी अमीर ने, आया समझ में। तो कई बार अपोजिट नंबर होते हैं, एक सेविंग दे रहा है खर्चा करा रहा है, तो पूरा मोबाइल नंबर जब तक नहीं देखोगे तब तक मत करना। और इसके ऊपर सबसे अच्छी मास्टरी करने का अच्छा तरीका क्या है, कम से कम 20 और मैक्सिमम 200-500 मोबाइल नंबर लेके बैठना। क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो मैंने क्या किया था, मेरे फैमिली के 4 नंबर, मेरे कुटुंब के नंबर, दोस्तों के नंबर, जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पास में पैसे हैं नहीं है, रिलेशन है फलाना आदमी का, सबका जो डिटेल पता था, उन सबके नंबर लेके बैठा मैं, तो वहां पता चला मुझे। और दूसरा चीज याद रखना कि इन नंबर को याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि 11 to 99 नंबर हैं, तो उस समय फिर लपेटे में आ जाओगे कि किसी का मोबाइल नंबर देखा या किसी ने फोन किया, या तूने सीखा है मेरा नंबर देखना, तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या यूज करोगे, जैसे 18, लेट्स एग्जाम्पल 18 या 81, मैंने कैसे याद रखा है, मेरे भाई के पास है, मेरे भाई का, मेरे पापा का नहीं जमता है, तो मैंने याद रख लिया भाई 1881, मम्मी पापा का नहीं जमता है। मेरे ऑफिस में एक जना है, उसके पास में लास्ट में 2-3 है, मल्टीपल अफेयर्स है एलआईसी के लिए, तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया, समझे। नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा, वो 5वीं क्लास 10वीं क्लास बोर्ड में एग्जाम में याद करते थे ना, तो वो नहीं करना है। सीधा वाइफ के पास ये नंबर है तो आर्गुमेंटिव है, इसके पास ये नंबर है तो वो ऐसा है, इसके पास ये नंबर है तो कॉम्बिनेशन याद करने का इजिएस्ट तरीका, भूलोगे ही नहीं। क्लियर है ये? यस सर उसके बाद क्या करना है कि इस क्लास में आज अगर लेके नहीं बैठे हो तो कोई बात नहीं, आज क्लास के बाद में अपनी फैमिली के सारे नंबर ले लेना, उसके बाद में जो जो लोग हैं जिनको जिनके बारे में यू वांट टू नो कि यार इसके पास में पैसा क्यों है, यार ये सक्सेस क्यों है, ये करता क्या है, इसकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है, ये जो सवाल है आपको अपने आजू बाजू के लोगों के बारे में, उन सबके नंबर ले लो। एटलीस्ट आप पता है कि उसके घर में क्या चल रहा है, घर में कौन बीमार है नहीं है फलाना ढिमका, जिसके बारे में डिटेल में पता है, सबके मोबाइल नंबर लेके बैठोगे और उसमें करोगे क्या, पेयर बनाना मेरे ख्याल से सबको पता ही है, पर जो लोग फर्स्ट टाइम है उनके लिए मैं वापस बना के लेता हूँ यहाँ पे एक बेसिक थ्योरी जो है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियो अगर आपने देखा है और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स टेक, मैं एक मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, 9820512, फिर भी ले लेता हूँ, पता नहीं कितने नंबर है, जो भी नंबर है, ठीक है ये नंबर ले लिया मैंने। अभी इस नंबर के मुझे पेयरिंग बनानी है, मतलब टुकड़े करने हैं, दो दो की जोड़ी बनानी है, तो सबसे पहले मैं लूंगा 98, इसको समझ लो, इसमें कुछ लिखना विखना कुछ नहीं है, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, इधर देखो मेरी क्लास में सीखना कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ। 98 ले लिया, उसके बाद में दूसरा लेंगे 82, उसके बाद में 2 के बाद में 0 है तो 0 को हम स्किप कर देंगे। और यहाँ पे जो लोग काफी वीडियो देख के आए हैं या देखे होंगे ना, तो एक भूत निकाल देना कि 2 2 0 है तो 2 की वैल्यू 20 हो गई, नहीं पकड़ना, स्किप ही करो। तो 2 के बाद में क्या है, 5, उसके बाद 5 1 1 7, 7 4 4 9, 9 5 5 6, क्लियर है ये, है ना।
अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इसी नंबर में पीछे 4000 ले लिया किसी ने, ठीक है, तो 7-4 तक तो ठीक था, ठीक है, उसके बाद में उड़ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ वीडियोस में कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये 4000 है, बहुत बड़ा वैल्यू है इसका, है ना, तो इसको ऐसे पेयर बनाएंगे, 4-4 लेंगे, 4-8 लेंगे, 4-7, कुछ नहीं करना, सब बकवास है। और इसके पीछे का लॉजिक, लॉजिक ये बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई नंबर आपकी जिंदगी में नहीं है, आपके मोबाइल नंबर में नहीं है तो नहीं है यार, सिंपल सी बात है ना। वो 4000 आ गया तो 4 के बाद में 0 है तो 0 ही है, जबरदस्ती क्यों उसमें नंबर डालने का। और ऐसे डालोगे तो फिर क्या करोगे, आप अपनी मर्जी से क्या करोगे, एक मोबाइल नंबर बना दोगे कि मेरा वैल्यू ये है, मेरा वैल्यू वो है, तो वो नहीं करना है हमको, है समझ में। मिसिंग मतलब बिल्कुल मिसिंग, ठीक है, तो क्लियर है, नंबर बनाने में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा, 0 है तो उस नंबर को स्किप करके पीछे वाला नंबर पकड़ लेना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। बिल्कुल हेलो, हाँ, तो बोलोगे यार, हाँ किसी के घर पे मैयत में थोड़ी बैठे हो यार, हमारी क्लास में ऐसा मत करो। ओके, अभी थोड़ा सा रिवर्स मारता हूँ, ये जो नंबर हमने बनाए, ठीक है, इस नंबर में इस नंबर का टोटल ले लेते हैं, इस मोबाइल नंबर का टोटल कितना है, ठीक है, तो मैं रैंडमली ले लेता हूँ, इसका 98 आ रहा है टोटल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, गलत हो सकता है, बट अपन मानते हैं कि ये टोटल इसका 98 आ गया। ये 98 है ना, वो 100% इसके मोबाइल में काम करेगा, उसके पहले वाला 90%, उसके पहले वाला 80%, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आप चलते जाओ, ठीक है, तो ये आपके वैल्यूज आ जाएंगे, मतलब कौन सा नंबर कहाँ पर है आपके मोबाइल नंबर में और उसकी वैल्यू कितनी है, कितना काम करेगा, ये यहाँ से डिसाइड होगा। क्लियर है पिक्चर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं है हाँ ना। सर हाँ सर ये याद रखना, अभी इसी के चक्कर में कई बार लफड़ेबाजी क्या हो जाती है कि यहाँ पर देखो 8-2 नंबर है, समझने समझना है सिर्फ, लिखना कुछ नहीं है, ये मोबाइल नंबर में ये 8-2 कहाँ पर आ गया है, स्टार्टिंग में आ गया है, और इसका वैल्यू 30% है, तो अगर ये नंबर किसी के पास में है तो उसको थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर खर्चा होगा, घर में मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, पैसा खर्चा होगा, लेकिन वो कितना होगा, 30% है, तो एक बार आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन यही 82 स्टार्टिंग में आ जाए तो ब्लास्ट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटा मोटा आप 200-500 रुपया तक किसी के भी घर में लग जाता है बीमारी का, तो उस कंडीशन में इसको एक हेक्टिक नहीं मानोगे, लेकिन देखो अगर आप में से किसी का मोबाइल नंबर में, या आप जब भी होमवर्क करोगे उसमें 8-2 है, तो उसके घर में देखोगे कि उसके घर में कितना ऑन एन एवरेज खर्चा जा रहा है, अगर बहुत ज्यादा जा रहा है तो फिर तो बोलोगे कि आप इसको हटाओ साला। तो दो चीजें करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि किसी का भी मोबाइल नंबर लेने के बाद में पूरा एनालिसिस करोगे, क्या क्या हो रहा है, कितना लेवल पे हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी के मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग नंबर क्या है, 8-2, मोबाइल का स्टार्टिंग 8-2 है, तो 10% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, लेकिन उसके घर में तो बीमारियों की लाइन लगी हुई है, उसी समय बोलो अब भी बंद कर साले, तो कोई भी नंबर ले ले, ये बंद कर, तेरे को डिजाइन करके मैं 15 दिन में देता हूँ, लेकिन ये नंबर तो इमिडिएटली बंद कर, ठीक है, और उसके साथ में अगर आपको थोड़ा सा वास्तु आता है तो वास्तु को थोड़ा सा देख लो कि गलती से मोबाइल नंबर तो 10% पे 82 है, लेकिन ये कोने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देख लो, या फिर ध्यान देना यहाँ पे, अभी मजे की बात यहाँ पर है कि आपने देखा कि भाई उत्तम जी का मोबाइल नंबर है, वो तो 82 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो 10% दे रहा है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आप फैमिली के सारे नंबर में देखोगे तो किसी एक का नंबर 82 या 28 लास्ट में होगा, समझे, हम उत्तम जी का 10% टारगेट कर लेते, लेकिन वो 10% गेम नहीं कर रहा, किसी और का फैमिली में जिसका लास्ट में 90% पे 82 है, या मोबाइल नंबर का टोटली गलती से 82 है, लग गई। तो मैं जब आजकल किसी को पर्सनल कंसल्टेशन में अटेंड करता हूँ तो वहां पर ये चीजें देखता हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है, नहीं यार ये इतना पावरफुल तो नहीं होना चाहिए, इतना नुकसान तो नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं बोलता हूँ फैमिली के सारे नंबर दे, तो वहां कहीं ना कहीं से एक कबूतर बाहर आता है जो मजे ले रहा है पूरे घर के सत्यानाश का, तो हम क्या करेंगे उस समय, वो हटाएंगे, ठीक है, तो कभी भी एनालिसिस प्रॉपरली करना, क्योंकि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, मतलब यू बिकम ए डॉक्टर ऑफ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो ऐसे हल्के में नहीं ले लेना है कि बस ये आया और चेक किया और दे दिया, नहीं और भी देख लो, जैसे हस्बैंड वाइफ का आपके पास में आ गया,
कि कोई आए कि यार मेरे वाइफ का और मेरा बनता ही नहीं है। अब इसका नंबर स्टार्ट हो रहा 9 6 7, 6 7 क्या करता है, मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट करता है, लिखना नहीं है समझो, 6 7 मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट करता है। आपको दिमाग में आना चाहिए तो 20% यार, थोड़ा बहुत तो सबके हस्बैंड वाइफ पे झगड़े टंटे चलते रहते हैं, है ना, राधा कृष्ण तो कोई नहीं है। फिर आप क्या, फिर आप 6 7 और 7 6 दोनों हो गए इधर, ना। हाँ तो समझो किसी का मोबाइल नंबर 7 6 से स्टार्ट हो रहा है या 9 6 7 है, तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू कितना है, 10% या 20%। लेकिन फिर आप क्या करोगे, वाइफ का नंबर मांग लेना, अगर वाइफ तुम्हारे पास आई है तो हस्बैंड का नंबर मांग लो, लफड़ा वहां तो नहीं है। ये भी नहीं मिला आंसर मोबाइल नंबर में उतना बड़ा, दोनों का समझो 9 6 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 10% है, तो उतनी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या करो, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है क्या, क्योंकि हमने एडवांस न्यूमरोलॉजी में क्या पढ़ा था, 2 नंबर हस्बैंड वाइफ का है, रिलेशन का है, जिसके डेट ऑफ बर्थ में हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास में 2 नंबर नहीं है तो बंटाल ढाल है। तो उस कंडीशन में हमको ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या करो मालूम है कि जब भी डिकोड करो ना, तो थोड़ा सा निम्रो ले लो, थोड़ा सा वास्तु ले लो और मोबाइल, तीनों को घुमा करके कहीं ना कहीं से आंसर पकड़ो। अगर प्रॉब्लम है तो कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी जब अपना एडवांस सीखते हैं तो उसमें थोड़ा एस्ट्रो डाल दिया, थोड़ा न्यूमरो डाल दिया, थोड़ा वास्तु डाल दिया, मोबाइल नंबर भी डाल दिया, मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पकड़ पाए, टारगेट अपना ये रहता है। क्लियर है? सर एक बारी जो मोबाइल नंबर का आपने टोटल किया है वो कैसे किया है बताना एक बार टोटल। A+B+C+D+E है, मैंने रैंडमली लिख दिया है, 9+8+7+6+2+5, मतलब ईच नंबर का टोटल करना है, ठीक है, हम पेयर के टोटल नहीं करना है, पेयर हाँ टोटल वही पूछ रही थी। नहीं, वो ठीक है, मैंने रैंडमली ले लिया था। तो यहाँ तक क्लियर है सबके पास में, क्या क्या करना हाँ है क्या नहीं करना है, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे, गलतियां कहीं नहीं करनी है। ओके तो चलो सबसे पहले अपन पेयर से स्टार्ट करते हैं, पेयर लिखना स्टार्ट करो सारे लोग, ठीक है, वही 12 नंबर से शुरू करेंगे और अच्छे से समझना इन नंबर्स को, लिखना थोड़ा सा है, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा तो वो लिखते रहना धना धन धना धन, क्योंकि आधे घंटे बाद मेरे को 20 मिनट में तो याद भी नहीं रहेगा मैं क्या बोल गया। सबसे ठीक पहले, नंबर ले लो 12 नंबर, अगर मोबाइल नंबर में 12 है तो सिर्फ 12 की बात कर रहे हैं, किसी का है 12 नंबर मोबाइल नंबर में? है, वेरी गुड, मेरा है, हम सबने लिए ओके तो देखो 12 नंबर को पहले तो मैं बोलता रहता हूँ, बीच बीच में लिखते रहना क्योंकि नोट्स में वो 2 4 लाइनें लिखी है, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूँ। तो 12 नंबर अट्रैक्शन का नंबर है, सब लोग खुश हो जाएंगे, अरे भाई हम अट्रैक्टिव हो गए, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन कौन सा है मालूम है, ये मत समझना सारी लड़की हमारे पीछे पड़ जाएगी, ये बकवास नहीं है। मैंने 12 नंबर लिया, 1257 मैंने जो लिया, जिसके ऊपर आप लोग गूगल पे वगैरह करते हो, वो जो नंबर 12 लिया तो उसमें आप लोग अट्रैक्ट हुए मेरी तरफ, कि यार आदमी अच्छा है, ठीक यार अच्छा पढ़ा रहा है, तो हर एंगल से ऑफिस में लोग आपको पसंद करेंगे, आपके दोस्त आपको थोड़ा भाव देंगे, नहीं यार थोड़ा ठीक है ना। तो आज ही मेरे पास किसी का तो सवाल आया था, अपना एडवांस उइस का ऐश्वर्य था आई थिंक, उसने क्या पूछा, सर दोस्त लोग मेरे को भाव ही नहीं देते, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मैं 9-1 ले लूं क्या लास्ट में, समझना बातों को, मैंने कहा पगला गया है क्या, मैंने देख मैंने लिया है 9-1 9-2 9-1, तो मैं अपने आप को सुपर समझता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो उसमें क्या हो गया कि ऑफिस में लोग हैं ना, अरे यार ये मैनेजर है यार, सर नमस्ते है गुड मॉर्निंग कर देते, लेकिन दिल से इज्जत नहीं है, मैं उनको पसंद नहीं हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई पोजिशन रेस्पेक्ट मिल रहा है, समझ रहे हो, एक होता है आप किसी बिल्कुल को पसंद कर रहे हो, भाव दे रहे हो दिल से, नहीं यार आदमी अच्छा दिखता है, अच्छा ठीक ठाक है आदमी, मस्त है, एक तो ये बोलना, अरे हाँ मैनेजर है यार ये वो आ गया कमीना, चलो गुड मॉर्निंग बोल दो, नहीं तो सुनाएगा दस बातें, बड़ा आदमी आ गया साइड दे दो उसको, तो ये 9-1 है, लेकिन रेस्पेक्ट आपको कौन देगा, 12 नंबर, क्योंकि वो रेस्पेक्ट इन द सेंस आपका अट्रैक्शन, ठीक है, अभी अट्रैक्शन के साथ में क्या देगा, ये नॉलेज, मतलब जिसके पास भी 12 होगा ना उसके बाद में वो नॉलेज बढ़ जाएगा, बंदा कुछ ना कुछ पढ़ने लगेगा, सोचने लगेगा, समझने लगेगा, है ना, तो पहला चीज लिख दो अट्रैक्शन, दूसरा लिख दो नॉलेज, है ना, लेकिन 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 लफड़ा है, लफड़ा क्या है मन में, आप अपने बेटे को 12 नंबर नहीं दोगे और दोगे, दोनों बातें बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से, इसका पुश पुश बज रहा है, मच्छरदानी बंद करो, हाँ जब बोल नहीं रहे हो तो म्यूट रखना थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से आवाज आएगी। अब इसको अलग तरीके से समझो, अगर बेटे को 12 नंबर दे दिया तो काफी टाइम से कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, नहीं मिल रही थी, लेकिन 12 नंबर के पास में
अट्रैक्शन आ जाएगा, हो सकता है कोई इसको भाव दे, भाई साहब ने प्रपोज मार दिया, लफड़े में आ गया, तो प्रपोज हो जाएगा वहां पे, अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं है, क्या दिख रहा है यार मस्त, वो वाला अट्रैक्शन नहीं है, एक अच्छा जो आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सन, ठीक है ना, बोलता अच्छा है यार, आदमी अच्छा है, सीधा साधा है, मस्त, ये वाला अट्रैक्शन की बात करें, क्योंकि ये केस एक जगह पे हो चुका है, तो ध्यान रखना है कि 12 नंबर बच्चे को नहीं देना है, और देना भी अभी दोगे कब मालूम है, आपके हमारे बच्चे को हम पढ़ने भेज रहे हैं कॉलेज में स्कूल में, उसको कोई पूछता ही नहीं है यार, डपर की तरह अकेला 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 हूँ, गाना गाते हुए निकलता रहता है, क्लास में भी लास्ट बेंच में बैठा, ना कुछ से बात करा, ना टीचर्स को भी वो पसंद नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, बच्चे की तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि बच्चे की तरफ उसके क्लासमेट अट्रैक्ट हों, उसके बाद में टीचर्स अट्रैक्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, 12 नंबर देना है, समझ रहे हो। मेरे साथ होता था स्कूल कॉलेज में, हाँ? अकेला हो अकेला ही रहूंगा, ऐसा होता वो तो मिसिंग जय का कमाल है, हम भी वही गाने था गाते थे एक सर। जमाने में, लेकिन अभी वो कर दिए, तो क्लियर हो गया 12 नंबर, उसके बाद में सबसे बड़ा सेविंग, आपकी बचत करवाया गया नंबर, अगर आपके पास में पैसे नहीं बच रहे हैं तो ये अभी सोचना क्या है मालूम है, 12 नंबर पीछे कब लोगे, बीच में कब लोगे, वो डिसाइड करोगे, अगर आपके इनकम अच्छी है, सब कुछ घर में अच्छा, सिर्फ पैसा ही नहीं बचा, तो पैसा कौन खर्चा कर रहा है पहले पता करना, मैं पैसा कमा के ला रहा हूँ, लेकिन ज्यादा पैसे यार वाइफ के हाथ से उड़ रहे, तो 12 उसको चिपकाना, क्योंकि पैसे वहां से जा रहे हैं, समझ रहे हो बात को, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या, हेल्पिंग लाइफ पार्टनर इसको बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ के जहां पर भी डिस्प्यूट है ना, 12 नंबर चिपका, और मिरेकल है अभी तक का धर्म ग्रुप में कुछ रेमेडीज ऐसी निकली ना, 7-8 रेमेडी जो भयंकर चली, और उसमें मुझे जो सबसे बड़ा प्राउड है ना, बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला इस टॉपिक पे नहीं बोला, आई डोंट नो, बट मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, मैंने जिस हस्बैंड वाइफ को 12 12 नंबर चिपका है ना, इतने क्लोज हो गए ना, इतने बढ़िया मस्त, मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड भी एक्सपेक्ट करता है वाइफ थोड़ी सी हेल्प कर दे, वाइफ भी एक्सपेक्ट करता है हस्बैंड थोड़ा हेल्प कर दे, तो ये दोनों साइड से आता है, तो दोनों साइड 12 ले लो, ठीक है ना, अगर प्रॉब्लम है कहीं पर भी तो क्लियर हो गया 12 नंबर, बाय वो दिस कोलावरी डी, अभी अब काम क्यों करता है, 12 नंबर में ऐसा क्या है, तो 12 नंबर में एक नंबर है सूर्य का, जो राजा है ग्रहों का, और 2 नंबर कौन है, रानी, जो उसके पीछे खड़ी है, वो राजा जी आगे रानी जी पीछे, तो आप भी जब शादी वादी में कहीं जाते हो अपनी वाइफ के साथ में जाओगे, तो मजा आता है ना, हस्बैंड वाइफ कपल कितने अच्छे दिखते हैं सज धज के, तो एक वैल्यू मिलती है, एक अट्रैक्शन मिलता है, अरे यार प्रवीण भाई और वाइफ दोनों कितने मस्त दिख रहे हैं, मजा आ गया, सागर और वो भी उसकी वाइफ के साथ में मस्त एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, तो मजा आता है, कपल्स में आप अच्छे दिखते हो, बट शर्त ये है कि आप हीरो हो, राजा आगे है, तो क्योंकि इसका 21 उल्टा हो जाएगा, फिर रानी ए उधर कहाँ खड़े हो, ए इधर बैठ जाओ, गंदा दिख रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, वाइफ लीडर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 1 आगे है 2 पीछे है, तो 1 को पता है कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना है, ये नहीं लेना है वो नहीं लेना, तो बचत पे ध्यान देगा, और रानी जी तो बोलेगी अरे यार थोड़ा गजरा ले लेते, कजरा ले लेते, ये ले लेते, वो ले लेते, और जय सिया राम, जाएगी एक ड्रेस लेने के लिए, उसके साथ में 4 आइटम और खरीद के ले आएगी, तो 200 का 500, तो वो इसका अपोजिट हो जाता है, तो 12 नंबर मोटा मोटी काम कैसे करता है, क्योंकि राजा आगे है रानी पीछे और दोनों साथ में, तो अट्रैक्टिव, और उस अट्रैक्शन का एक और रीजन ये कि दे आर द किंग, किंग फैमिली है ना, राजा है, अभी नरेंद्र मोदी हमारे एरिया में आ जाएंगे प्रधानमंत्री, तो हमको अट्रैक्शन होगा यार, मोदी जी प्रधानमंत्री आ गए, बिकॉज ही इज द किंग, राजा के लेवल पे आज प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, आया समझ में, क्लियर, यस मुंडी हिला दो, सर, हाँ ओके, दूसरा ले लो भी, 13 नंबर, 14वीं का चांद और ये 13वीं का चांद अच्छा 12 का इफेक्ट है यहाँ, 21 का नहीं है, याद रखना 12 और 21 का इफेक्ट अलग अलग है, अभी अपन 13 पढ़ रहे तो 13 का ही इफेक्ट पढ़ेंगे, 13 नंबर में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, न्यूमरोलॉजी की अगर बात करोगे तो बेकार नंबर है, अनलक्की लिख सकते हो, अनलक्की नंबर एज पर द न्यूमरोलॉजी, ठीक है, अभी अपन बाहर निकलते हैं थोड़ा नंबरों से, तो 1 नंबर कौन है, राजा है, राजा राजा बैठा है, साले को कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ करने का है, उसके पास में 3 नंबर आ गया, गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और वो राजा को ज्ञान देगा, अरे आपको ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करो वो करो, तो 1 और 3 बहुत अच्छे नंबर है,
नॉलेज है उसके पास में, और एक्शन भी लेगा। तो 13 नंबर क्या करता है, जिसके पास भी होगा, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी तो अनलक्की बोलता है। जैसे इंडिया में भी आजकल 13 नंबर का फ्लोर गायब कर दिया है, 13 नंबर का फ्लैट नहीं होता है, और बाहर तो होता ही नहीं है, बट यहाँ पर धनतेरस तेरा का वैल्यू है ना। तो अपने यहाँ पे 13 नंबर गंदा नहीं है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि सूर्य के साथ में, मतलब राजा के साथ में अगर कोई ज्ञानी आदमी मिल जाए तो राजा बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा, उसका एक वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 13 नंबर एक बहुत अच्छा एडवाइजर हो सकता है, बहुत अच्छा एडवाइजर, ठीक है ना। है किसी के पास में 13 नंबर? वेरी गुड नहीं तो सोनू भाई, ज्ञान ही बांटते रहते होंगे, कोई कुछ बोल दे बस और मैं बताऊ कब, है ना। कोई भी टॉपिक दे दो, सोनू भाई शुरू, उनको सब पता है, सब आता है। हाँ विजय भाई बोलो। मेरे पास भी 13 नंबर है सर। हाँ, तो ज्ञान ज्ञान बांटते रहते होंगे, आइडिया। हाँ सर। और मैं मजाक मस्ती में इसको एक पनी पर्सनली मत लेना, जनरली बोल रहा हूँ, इनको मैं ज्ञानचंद बोलता हूँ। कभी भी प्रॉब्लम आ जाए इनके पास, राय सिंह, दूसरा नाम राय सिंह, है ना, राय के लिए तैयार बैठे। लेकिन ऑनेस्टली आपको एक अच्छी एडवाइस देनी है, 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर बुरा नहीं, आप ले सकते हो। टोटल आ गई हाँ? तो 13 नंबर टोटल आ गई तो नहीं आएगा ही नहीं, कैसे आएगा। तो कोई भी मोबाइल नंबर में 4-5 नंबर होंगे तो ही आ सकता है, बहुत मुश्किल है, 13 नंबर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं, नाइन बड़े टोटल के बाद टोटल आती ना एक दूसरी। नहीं, वो कभी भी आ सकता है। मोबाइल नंबर का एक्चुअल टोटल जो आता है, फर्स्ट टोटल, वही काउंट होगा। ऐसा नहीं ओके करोगे ठीक कि है 59 का कितना होता है, 13 होता है, 13 का 4 होता है, ऐसा नहीं करोगे। फर्स्ट क्या है, 59, तो दैट इज 59, वही टोटल है। ये न्यूमरोलॉजी ओके में बहुत सारे लोग ओके मिस्टेक करते हैं। हाँ, लेकिन उसका टोटल क्यों यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल नंबर 5 पे लाना है ना, तो 5 पे कौन सा होता है, 41, तो हम इफेक्ट देखेंगे 41 का, दूसरा कौन सा होता है, 50 का, तीसरा कौन सा होता है, 32, चौथा कौन सा अच्छा होता है, 23, तो ओके वो हम देखेंगे इफेक्ट को लेकर के, लेकिन टोटल 5 तो लाना ही है, सर तो वो काउंट करेंगे हम 5 पे लाने के लिए हमने 41 लिया, बट इफेक्ट किसका देखेंगे, 41 या 50 का, क्लियर। ओके। फर्स्ट टोटल का इफेक्ट रहता, बाकी दूसरी का नहीं रहता। वैसे तो टोटल मारते ओके सर मर थैंक जाएंगे फिर तो। ओके, अभी आ जाओ 13 के बाद में आ जाओ 14, 14वीं का चांद, सबसे बकवास, यू जहां मिले उसका सिम सर। कार्ड तोड़ के फेंक दो। जहां मिले वहां पे तो सिम कार्ड निकाल, अभी के अभी तोड़ के फेंक दो। कर्जे का नंबर है भाई साहब, बहुत बड़ा कर्जे का नंबर है, और मैंने अभी तक जितने दिखे ना सब कर्जे वाले ही मिले। अभी कल हाँ कल शाम को, कल संडे था ना, तो फैमिली यहाँ पर नहीं है, तो मैं और छोटा लड़का ही, तो ओके हम लोग ऐसे ही घूमने निकले थे, तो सर बच्चे को थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ हुआ था, तो एक अननोन मेडिकल पे, मतलब जहाँ पे मैं रेगुलरली नहीं जाता हूँ, उस मेडिकल पे चला गया, तो बातें बातें कर रहा था ये वो, तो वो गूगल पे का वो लगा होता ना अपना QR कोड, पेटीएम वगैरह का, तो उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, तो वहां पे लास्ट में या सेकंड लास्ट 41 था, तो मैंने कहा कहाँ के हो भाई साहब, बोले राजस्थान के। मैंने कहा राजस्थान क्या, पहले पहले तो ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, सीधा तू कर्जे में ही तो मारेगा मेरे को, तो बोले कि भाई साहब एक बात बताओ, मेडिकल का कितना टाइम हो गया, तो 10-12 साल हो गए। मैंने कहा कर्जा होगा आपके ऊपर, तो होता रहता है। मैंने कहा अच्छा कर्जा है भाई साहब, डूब जाओ इतना कर्जा होगा। हाँ है कर्जा, तो मैं कहीं नंबर किसका है, मेरा नंबर है। मैंने कहा और किसी का नंबर कुछ है क्या, तो बोले नहीं मेरा नंबर है। मैंने कहा और किसी के नंबर में 14 है क्या, बोले क्या हुआ। मैंने कहा देखो ना बता, मजा आएगा थोड़ा, ये देखा तो किसी के पास में नहीं है। मैंने कहा नंबर कब से लिया है, तो बोले 5-6 साल हो गए। मैंने कहा 5-6 साल से कर्जा ज्यादा हुआ है क्या, हाँ हुआ है। मैंने कहा नंबर चेंज कर दूं, तो बोले कि ये कैसे बताया। मैंने कहा मैंने गूगल पे किया है, मेरा नंबर है, गूगल पे सर्च कर लेना, बाद में बात करेंगे यूँ। तो ये चीजें करने की, ये क्यों करता हूँ मैं, मालूम है, प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा 14 नंबर क्या करता है, 41 नंबर क्या करता है। तो 14 और 41 दोनों का है इफेक्ट, 14 या 41, कर्जा देगा दबा के, और इस कर्जे में पूरे ओके परिवार को डुबा देगा भाई साहब, बीवी के गहने भी बेच दिए, ये भी बेच दिया, वो भी बेच दिया, मतलब बहुत कर्जे में आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कर्जे के साथ में, कि इसके ऊपर कभी कभी लीगल नोटिस भी आ सकती है, क्रेडिट कार्ड का पैसा बाकी है, पुलिस वाले ने नोटिस भेज दी। अच्छा सागर भाई आप ले चुके हो ये सब फायदा? सर। हाँ, हमारे घर के बाजू में फैमिली, नाम नहीं लूंगा, सबके पास 41 है और सब कर्जे में, और कर्जे में, लीगल नोटिस तो भर के आती है उसके पास। हाँ वो लाइट की भी आ सकती है, गैस की भी आ सकती है, RTO की भी आ, लीगल हाँ नोटिस किसी भी डिपार्टमेंट से आ सकती है, लेकिन किसी आएगी। सबके आती है सर के पास। हाँ
ठीक है ना, तो 14 और 41 नंबर जहां पर भी मिले तोड़ के फेंक दो, कोई बात नहीं, 4 दिन सिम कार्ड मत यूज करना, दूसरा ले लेना। मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं सीखा कोई बात नहीं, लेकिन 14 तो नहीं होना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि कर्जे से नहीं निकल पाओगे। दूसरा चीज क्या होगा मालूम है, कि बच्चों के पास में, बच्चों के पास में अभी आप बोलोगे सर मेरे बेटे के पास में 14 नंबर है, स्कूल से नोटिस आ जाएगा साला टाइम पे नहीं आ रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, नोटिस तो आएगी ना लीगल। हो हाँ सकता है किसी को 2 4 झापट मार के आ जाए, उसके चक्कर में सामने वाले ने पुलिस कंप्लेन कर दिया, ये आ गई कंप्लेन, तो कंप्लेन कंप्लेन होगी। दूसरा चीज, एक तो कर्जा देता है पैसे का लॉस करता है, मनी लॉस, गारंटेड पैसा लॉस होगा। जिसके पास में 14 नंबर है वो पैसा इकट्ठा करेगा लॉस, पैसा कुछ करेगा लॉस, तो लॉस भी है और लॉस होगा तभी तो वो लोन लेगा यस सर, ना। उसके बाद में आदमी का रेपुटेशन खत्म हो जाएगा, डिफेम, हार जाएगा सब जगह से, हारेगा यार कर्जे में डूब डूब के हार जाएगा, वो खुद से भी हार जाएगा, लटक लेगा किसी दिन, तो हार सर जाएगा। हाँ हेलो सर, हाँ अगर बर्थडेट ही 14 हो तो वो बर्थडे 14 अलग हो। है, नहीं, उसके अलग लफड़े हैं। 14 तारीख है ना वो कार्मिक नंबर है, अच्छा, 14 14 तारीख है ना वो वैसे ही पनौती नंबर है। 14 तारीख वाले को एक चीज याद रखने का, अगर बच्चे का है, ये एडवांस का टॉपिक है बट निकल गया तो बता देता हूँ, 14 तारीख जब भी किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होती है तो कम से कम 12 13 साल तक है ना उसको एकदम ढोलकी की तरफ पीट के संभालना, मार पीट के अच्छे से सीधा करना, कहाँ जा रहा है, कहाँ किससे मिल रहा है, होमवर्क कर रहा है, एकदम सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए भाई साहब। और 14 15 साल तक उसको ये बता देना कि तुझे तेरी लाइफ में करना क्या है, कैसे रहना, मतलब उसको सारे डिसिप्लिन जबरदस्ती सिखाना है, मार पीट के, खुला बोल रहा हूँ, चौदह एकदम 15 साल तक है ना उसका नेचर हो जाएगा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि 14 तारीख का मतलब ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है, दाऊद इब्राहिम भी बन सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये गंदी संगत, वो कुछ भी कर लेगा, मतलब 14 तारीख वाले मैंने बच्चे देखे हैं, या बिल्डिंग के पीछे ना सिगरेट पीते हैं रात को और पॉटर वॉटर मारते रहते हैं, तो पहला डाउट मेरा यही जाता है 14 नंबर कोई ना कोई मिलेगा ही। फिर एक दिन कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि उसको पीट पिटा के ला रहे थे ये सब, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, हम तो अरे कुछ नहीं मस्ती कर रहे थे, ये वो, उनका नाम क्या ये है, उनका इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 14, उनका हो गया कल्याण। तो 14 तारीख को अगर आपने शुरू में कंट्रोल नहीं किया फिर वो आपके अच्छा कंट्रोल में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसके पुराने जन्म का हिसाब किताब बाकी है, तो ये जन्म में भाई साहब को हिसाब पूरा करना है, तो स्ट्रगलिंग नंबर है, बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये लफड़ा है, ठीक है। और 14 नंबर अगर आपके बच्चे के पास में है, वो मोबाइल पे कुछ कर रहा है, अमेजोन पे कुछ खेल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाएगी, अनइंटेंशन, वो आदमी बुरा नहीं है बच्चा, लेकिन उसके 14 नंबर कुछ ना कुछ उससे गलती करा देंगे, हो सकता है अमेजोन से नोटिस आ जाए, कहीं से कुछ नोटिस आ जाए, गलत कॉल लग जाए, गलत किसी को फोटो भेज दिया, किसी लड़की के साथ में मस्ती कर ली, किसी को गाली, कहीं से भी 14 नंबर चाहिए ही, इन शॉर्ट, समझ में आ गया। अच्छा अभी आ जाते हैं, अच्छा नंबर नहीं, दूसरा अच्छा नंबर, पहला 12 अच्छा, अभी 15 15 या 5, पंद्रह मैं लिखता रहूँ, वो बोलते रहना, हो नोट्स के भरोसे मत रहना, नोट्स में एक लाइन लिखा होता है फिर बाद में वो आरती करना नोट्स की। सर, यस सर, 13 और 31, 31 भी अनलकी है, मतलब 31 बताया नहीं आपने उसको ऑपोजिट। इसका मतलब वो उसका नंबर पेंडिंग है, आप वेट करें, कृपया प्रतीक्षा में रहें। हाँ, ओके 1551 दोनों एक साथ से हैं, इसको सबसे पहले तो लिख दो, बच्चे के पास में चाहिए ही चाहिए, बेटा बेटी को चाहिए, कुछ भी करके देना ही देना है, क्यों देना है, अभी सोनू भाई बोलेंगे मेरा बेटा वाट लगा के बैठा, इज्जत का पूरा पतारी घुमा दिया उसने, सर, उसका तो डेट ऑफ बर्थ 15 है। अच्छी बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मस्ती करता रहता हूँ, बीच में ना पर्सनली मत लेना, मैं ऐसा ही हूँ, और बुरा लग जाए तो निकल जाना। हाँ, तो 15 नंबर क्यों देना है, कि मेरा बेटा जहां जाता है वहां से कुछ ना कुछ तूफान लेके आता है, साला डेली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मेरे इन लोगों के साथ में, मतलब हमारी बदनामी का कारण बन रहा है, गंदी चीजें कर रहा है, लड़ाई झगड़े जो भी कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सब जगह। 15 नंबर क्या करता है, सबसे पहला काम माँ बाप का नाम रोशन करता है, हमको वही चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आपने 15 नंबर ले लिया और नीचे बिल्डिंग के नीचे एक दिन टाइड होकर के आगे दारू पी के और किसी को ठोक भी दिया ना, तो भी आपके पप्पा का नाम रोशन ही होगा, दूसरे दिन पता चलेगा साले उसको पूरा बिल्डिंग सोच रहा था कौन मारे कौन मारे, ये सोनू के लड़के ने ठोक दिया, अच्छा हुआ सोनू भाई आपका लड़का जोरदार है, भले वो दारू पी के ठोका था लेकिन काम अच्छा कर जाएगा, नाम खराब नहीं होने देगा। तो जहां पे बच्चों की टेंशन है, लड़की है लड़का है, तो ये आजकल सबको टेंशन है कि यार हमारे बच्चे कुछ गलत ना कर जाए,
तो जो भी करेंगे नाम रोशन हो जाएगा। भले हो सकता है वो रमी खेलने बैठ जाए और हम लोग चिल्लाएंगे साले फालतू में पैसा लगा रहा, और वो पता चला लॉटरी लग गई, पूरे बिल्डिंग में नाम, अरे भाई सतमीर जी का लड़के ने 98,000 कमा लिया, नाम हो गया ना। तो ये चीज मतलब बच्चों का एक हेडेक खत्म हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा इसका फायदा क्या है कि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा नंबर है, जो ये सब पेरेंट्स सर मेरा लड़का का एग्जाम में क्या होगा, पढ़ता नहीं है ये नहीं, उसको नंबर दे दो, हो सकता है बाजू वाली उसको चीटिंग वो चीट दे दे, ये ले रे लिख ले तुम्हारा लड़का किसी से जबरदस्ती को चीट, मतलब कुछ भी करके उसको एग्जाम में सपोर्ट मिल जाए। हो सकता है टीचर बोले ए गलत लिखा है, बी नहीं, ए राइट कर, बी गलत है, ए पे टिक मार, कुछ भी करके उसको एग्जाम में फायदा हो जाएगा, कुछ भी करके। अपने को रिजल्ट से मतलब है भाई साहब, है ना, तो ये रिजल्ट ले लो। तीसरा चीज इसमें देखेंगे तो ये वो बंदा है ना जो कम काम करके ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अभी बड़े पे आ जाओ, बच्चे से बाहर निकल जाओ, अगर आप लोग गधा मजदूरी कर करके पैसा कमा रहे हो और आप ये चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा कम मेहनत करूं, स्मार्ट तरीके से पैसा कमाऊं, कम काम और ज्यादा पैसा, तो 15 या 51 ले लो, 1551 मोबाइल में ले लो, तो क्या होगा ये आपके लिए भी अच्छा है और आप भी अपने पापा का नाम रोशन करोगे, भले वो दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन हाँ भाई इनका लड़का है, तो दोनों चीजें होगी ठीक है। उसके बाद में शादी के लिए भी अच्छा नंबर है, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको चिपका सकते हो ठीक है, लेकिन पहले सवाल पूछना बेटा तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, अरे रिश्ता ही नहीं आ रहा, ये दूसरा लफड़ा है। दूसरे से पूछा कि भाई तेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे, अरे रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन लड़कियां रिजेक्ट कर देती है, मतलब इसके पास में अट्रैक्शन नहीं है। सामने हाँ सामने वाले की पनौती समझना, उससे बात करके समझना कि इसका प्रॉब्लम क्या, हो सकता है लड़की आई हो रही बेटा, और क्या नाम है आपका सोशल, क्या करते हो, कुछ नहीं, खेलना पसंद है, कभी कभी खेल लेते, खाने में जो मिले खा लेते, ऐसी लड़की, ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा, मतलब ये बंदा खुल के बात ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, तो फिर उसको ऐसा नंबर दोगे कि खुले कैसे। एक लड़का आपको ऐसा मिला कि वो घर के, अभी मेरे साथ हुआ था ये, आई थिंक कितना हो गया, 5-6 महीना हो गया पर शादी हो गया, बंदे का नंबर बन गया कि नहीं वो पता नहीं, एक बंदे का शादी नहीं हो रहा था, तो ये मेरे पास वाया वाया कहीं से आ गए, तो मैंने कहा कि मेरे को लड़के से मिलना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, मैं घर पे गया और बच्चे से मिला, बात बात की, तो बच्चा एकदम सुस्त है और आरामदायक, कुछ पड़ी नहीं उसको, नॉर्थ ईस्ट में सो रहा था पहला लफड़ा, मैंने कहा तू घर से बाहर ही नहीं, अब बस यही पड़ा रहता है मोबाइल उसका, भला एक लैपटॉप वैपटॉप और स्कूल गया वहां पता नहीं, लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बंदे को। तो मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, बोले इसकी शादी करानी है, भाड़ में क्या कोई लड़की पटा ले तो भी मैं तो एक बार शादी करा दूं, पैसा बहुत है अपने पास, हम नामचीन है, तेल लगाने गया, वैसे भी हमारी जात वाली बिल्डिंग मुश्किल है, लेकिन साला वो भी तो करे, किसी से बात ही नहीं करता तो क्या करेगी। तो मेरे को वहां पे मस्ती सूझी, मैंने उसको पूरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 6 कॉम्बिनेशन ऐसे दे दिए जो अफेयर देते हैं, मल्टीपल अफेयर ठीक है, मैंने कहा ये वाला नंबर कहीं से, अरे वो नंबर तो अपने अपने सब जानते हैं, ले लेंगे, मैं कहा लेके दे दे, टोटल वोटल सब गया तेल लगाने। देखो मैं उल्टे काम भी करता हूँ, टोटल भी नहीं देखा मोबाइल नंबर स्टार्ट कहाँ से, भाषा बाहर में गया, तू इसको ये 6 नंबर दे दे पीछे, लेकिन ये 6 नंबर देने के बाद में 15 दिन महीने के बाद में भी रवड़ता होगा, कहीं ना कहीं लफड़ेबाजी करेगा, और कोई लड़की पसंद करे, जो भी पसंद करे लड़की का पता कर लेना, अगर अच्छी लड़की है इसी के साथ बात बात करके रफा दफा कर देना, लेकिन बेटा जिस दिन मंडप में बैठेगा सिम कार्ड तोड़ के फेंक देना, नहीं तो साला शादी के बाद में और कहीं इधर उधर घूमता रहेगा। तो मुझे लास्ट में यही टॉपिक कई बार निकला है ना, तो मैंने एक बार फोन किया था, तो हाँ सर शादी तो हो गई, लेकिन सिम कार्ड का मैंने नहीं पूछा, वो मेरे को अपने गले में घंटी नहीं बांधनी है, किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपना काम हो गया। तो आया समझ में, मोबाइल नंबर डायरेक्टली नहीं चिपकाओगे, सामने वाले की जरूरतें देखना, जैसे मैंने कल वॉइस रिकॉर्डिंग डाला था आप लोगों ने सुना होगा, एक बंदे ने 1919 1919 ले लिया, आंखें खराब कर दी, तो ये भी देखना पड़ेगा मुझे। हाँ तो 1551 में शादी के लिए अच्छा है, पापा का नाम रोशन करेगा, एग्जाम के लिए अच्छा है ठीक है। अभी आ जाओ पनौती नंबर 1661 पे, है किसी के पास है कोई खुश नसीब 1661, मेरा भाई अरे है सर, इसमें आई और कोई, सर मेरे पास 1315 है, 1515 है, दोनों 1616 या सिक्स वन, नहीं 1615 नहीं, 1616 या 61 दोनों सेम है ठीक है ना, यहाँ पर दोनों साथ में,
पहले तो बोलो सबसे रिश्ता तोड़ देगा, पहला लिख दो सबसे रिश्ता तोड़ देगा। 1661 का इफेक्ट नंबर फर्स्ट, मतलब लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करेगा, भले 1000 दोस्त होंगे लेकिन जैसे ही ये सिम कार्ड लिया किसी का फोन नहीं उठाएगा, इग्नोर करेगा, धीरे धीरे अकेला ऐसे। दूसरा चीज क्या करेगा, इनकम तो जीरो हो जाएगी, नो इनकम, पैसा पैसा कुछ नहीं आएगा। और मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बॉम्बे का, बकवास है, उसने लास्ट में 1666 लिया है, खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया, टोटल लॉस। अच्छा महीने का 1.5-2-3 लाख रुपया कमाने वाला आदमी, लेडी है सॉरी, आदमी है, खत्म, कुछ नहीं। और जो लोग उसके पेशेंट थे या उसके कस्टमर थे या उसका पब्लिक सेक्शन जो था, पब्लिक सपोर्ट था, जान पे, सबके साथ में बात नहीं करना है, मोबाइल साइलेंट में, मैडम के पास टाइम होगा तो बात करेंगे, नहीं तो जे सी आ रहा। तो ये क्या करता है, लोगों से धीरे धीरे कट जाता है, इनकम ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, नो इनकम एट ए टाइम, ठीक है ना। उसके बाद में ना इसमें अगर किसी के पास में 1.6 है ना, तो एक और चीज इसमें लिखो कि जॉब भी जाएगा इस बंदे का, जॉब पे टिकेगा नहीं भाई साहब, बार बार जॉब का छूट जाना या फाइनेंशियली लॉस भी लिख दो, जॉब चला जाएगा। है कोई ऐसा, याद करो अपने मोबाइल में, देखो 1.6 टाइप करो, दो चार तो मिल ही मेरा जाएगा, भाई है सर, मेरा भाई है ना सर, नहीं जॉब पे टिक रहा है। बदल चलो कृपा नाथ दिया करो। उसको अच्छा ओके वेरी गुड, तो ये एक लफड़ा है। उसके बाद और वो में सर बात एकदम ऐसे करता है ना, हाँ क्या है, हाँ क्यों है, ऐसा कब उसके बाद से में करता है, कैसे करना था। तो देखो मैंने यहाँ पर एक चीज बोली है कि अच्छा ये मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, उसमें कोई भी इफेक्ट लागू हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि मैंने 5 चीजें बोली तो पांचों किसी की जिंदगी में आ जाए, हो सकता है ओके 5 में से 3 काम करें, कई बार ये भी होता है। तो इसमें एक और चीज हो गया कि ये बंदा क्या करेगा, पब्लिक से कटेगा, पब्लिक से कटेगा, सबसे कटेगा, मतलब हो सकता है हस्बैंड वाइफ का लफड़ा हो जाए, वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे, या हस्बैंड के पास है तो हस्बैंड वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। वो बंदा लेकर के अपने हाल में मस्त है, वाइफ बात करे नहीं करे तेल लगाने के, हम मस्त है हमारे हाथ में, या वाइफ को कुछ पड़ी नहीं है, ये वो ऑफिस से गया, खा लो उधर पड़ा है खाना, हम क्या करें, हम तो मोबाइल चला रहे हैं, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये एक चीज हो सकती है। हाँ बोलो, संन्यास लेते हैं कैसे लोग, शिक्षण वाले संन्यास क्या चीज, लेते हैं क्या। 1.6 वाले, हाँ हाँ जाते हैं ना, लेकिन वो बहुत अच्छी खासी लगने के मेरा बाद जाते हैं, अच्छी खासी लगने के बाद जाते मेरा हैं, क्योंकि देख जिसके पास में इनकम खत्म हो गई, जिसके पास में पब्लिक से बात नहीं करनी, तो अकेला रह गया, अकेला फिर क्या करेगा, वो नाटक करेगा कि मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, नाटक है सब, करना कुछ नहीं है भाई, सब होना होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वो जब भी, हाँ मेरे एक दोस्त चीज, के लाल हाँ क्या हुआ मेरे आपके दोस्त दोस्त, के मोबाइल नंबर में लास्ट में एकदम सर वो पूरा हाँ साथ हो गए। तो हाँ तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहा ना लाइफ में, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो क्या करेगा अभी। सर तो यो तो ये भी जो मैडम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी कर रही है, लेकिन मजा उसको कहीं नहीं आने वाला है। और एक चीज इसमें और थी क्या था कि हाँ पाइल्स का इश्यू दे सकता है, पाइल्स का और यूटीआई, यूरिनल इन्फेक्शन जो होते हैं, यूरिन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दे सकता है या पाइल्स दे सकता है, तो ये देख लेना। और है तो जगह पे सिम कार्ड फोड़ देना, अगर किसी के थोड़ी थोड़ी तैयारी हो रही है, पाइल्स आने की तैयारी है, बीज निकला है बाहर, सीधा सिम कार्ड को हथौड़ा मार देना, बाहर में गया तभी ठीक हो जाएगा, साला बढ़ जाए खर्चा करा है उसके बाद में नहीं करना है, ठीक है ना। क्या हुआ गाने, ज्ञानेश्वर जी आप कहाँ से हो, सर एक्चुअली मैं तो गोंदिया से हूँ लेकिन फिलहाल विदिशा में हूँ। विदिशा, तो प्लांट मैंने सुना है, विदिशा कहाँ पर आया, विदिशा मध्य प्रदेश सर। ओके मध्य प्रदेश, तो इंदौर से कितना दूर है, इंदौर से सर, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है इंदौर। बहुत दूर है, मैं एक्चुअली महाकाल आने की तैयारी में हूँ, आ जाइए सर, स्वागत है आपका। मेरे वहां से शायद इंदौर है 250 किलोमीटर, मैं राजस्थान जाने वाला हूँ अभी रिसेंटली, 4 और 5 तारीख को शायद मैं नहीं रहूंगा, सैटरडे संडे में नहीं हूँ, है ना, मंडे जी से, और सैटरडे संडे वैसे भी एक दिन क्लास बंक रहेगा, जो भी एडवांस वाले रहेंगे या जो भी अपना चलेगा, तो सैटरडे को क्लास नहीं होगी, मैं नहीं, अभी तो टाइम है अपना, तो खत्म हो जाएगा न्यूमरोलॉजी, तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में देखते हैं जो भी क्लास रहेगा वो। ओके क्या था दूसरा, हाँ उसके बाद में ना पाइल्स का और यूटीआई का ये दो प्रॉब्लम लिख लेना इनके पास में, ठीक है क्लियर, अभी आ जाओ, अच्छा नंबर, एक अच्छा नंबर, थोड़ा खुशी मिले,
गम बहुत हो गए। 1771। पंकज जी आप कहाँ से? हाँ अनम्यूट करो। हाँ हेलो हाँ जी सर, गढ़चिरौली से। अरे अब ये, अरे भाई मेरा नाम ही नहीं सुने, ये कहाँ पे है? बाप रे, एक्चुअली गढ़चिरौली। यस इधर कौन से स्टेट में, मतलब मेरे को नहीं पता ये नाम आपने जो बोले। नहीं, महाराष्ट्र में है अरे सर, महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली विदर्भ में। महाराष्ट्र में है सर, गोंदिया के पास में, आमगांव के पास में जस्ट। ओके, आमगांव। आमगांव तो मैं गया हूँ। हाँ बस उसी के बॉर्डर से लगा हुआ है सर, गढ़चिरौली। आमगांव के आजू बाजू में कहीं तो मैं गया हूँ, वास्तु विजिट के लिए कहीं तो गया था मैं। साले ठीक, कसा है। बिल्कुल नासिक नासिक बिल्कुल। नासिक हाँ हाँ नासिक नासिक पुणे शिरडी हेलो और या हेलो। अपना क्या बोलते हैं कोल्हापुर। कोल्हापुर तक गया हूँ मैं, वहां तक गया हूँ मैं। और ये साइड में तो सूरत बड़ौदा नहीं, ये तो सब चलता रहता है, और एक बॉम्बे आता जाता रहता हूँ मैं। हाँ आ जाओ। 1771। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, कहाँ बात कर रहे हो? सबको क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर आ है, रही क्लियर है सर। सर। ओके हाँ तो इस कंडीशन में जो बोल रहे हैं उनकी नेट की प्रॉब्लम छे, ठीक है, प्रॉब्लम गड़बड़ है आपका, नेट का प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। या तो आप एक काम करो, वीडियो बंद कर दो तो बैंडविड्थ थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि आपका डेटा सर, थोड़ा वन ऊपर नीचे होगा तो भी होगा। हाँ 1771 का लिख दो। रॉयल पर्सनैलिटी, रॉयल आदमी। अच्छा एक काम याद रखना कि ये जो 1551 हमने पढ़ा ना, या गूगल पे वगैरह में भी अपना पासवर्ड रख देना, वहां से भी काम करता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 1551, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 1212 हमने पढ़ा ना, तो 12 भी आप पासवर्ड में रख सकते हो, 912 912, ठीक है, 1912 ऐसा रख सकते हो। तो क्या होगा, उस अकाउंट में जितने भी पैसे वो सेविंग 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 होता जाएगा, और ये काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है ना? तो ये यूटिलाइज करना, ऐसा मत सोचना मोबाइल मोबाइल करके पगला मत जाना। बैंक के अकाउंट के पासवर्ड जो है आपके, उसमें भी डाल सकते हो, जीपे पेटीएम वेटीएम उधर भी डाल दो, अच्छे अच्छे नंबर जो आपको चाहिए, तो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 1717 डाल सकते हो। कहाँ गया अपना रोजर? रोजर ने चमत्कार किया था इस नंबर पे। हाँ प्रवीण भाई, रोजर तो गायब ही हो गया, उसको क्रेडिट कार्ड मिल गया तो गायब ही हो गया उसको। देखो सर, एक तो रॉयल्टी का नंबर है, उसके बाद में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो पैसा आ जाएगा इससे, ठीक है? मतलब पैसे की वजह से कभी आपका जिंदगी में काम नहीं रुकेगा, ये लिख लो इसको। मनी रिलेटेड वर्क नेवर बी स्टॉप। दूसरा, सरकारी कोई काम नहीं अटकेगा। तो जो लोग आधार कार्ड पैन कार्ड लाइसेंस के लिए रोते रहते हैं, 2 महीने से घूम रहे काम नहीं हो रहा है, उनको दे दो ये नंबर, ओके सर। तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं रुकेगा, आपको जहां पे भी जाओगे धनाधन काम हो जाएगा। दूसरा, आप किसी के समझो किसी कलेक्टर के पास, यस 1771, किसी के कैबिन में चले जाओ, कलेक्टर के कैबिन में चले जाओ, तहसीलदार के पास में, या किसी मजिस्ट्रेट के पास में। जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के पास में जाओगे, खड़ा हो जाएगा, अरे यार उत्तम भाई आ गए, बैठो, ये वाला रेस्पेक्ट मिलेगा, बिकॉज रॉयल इंसान है, और ये कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, हाँ ठीक है? तो ये याद रखना, धोखाधड़ी नहीं करेगा, रॉयल है, पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा इसका, गवर्नमेंट से सर, सपोर्ट एक डाउट मिलेगा। हाँ है सर। बाहर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें तो 17 नंबर को बताया कि फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट लाता है। हाँ वो मेरे पास भी कोई तो आया था, ये देता है वो देता है, हमको तो नहीं मिला अभी तक। हमने जी इतने नंबर दिए, किसी का भी हाँ सर, फीडबैक वही ना, मैंने भी यूज किया तो मैंने, मुझे भी नहीं मिला। सर ऐसे व्यक्ति स्वार्थी ज्यादा होता है, स्वार्थी। स्वार्थी है हाँ तो स्वार्थी किस प्रकार का स्वार्थ है मालूम है? सेल्फ रेस्पेक्ट का स्वार्थ। आपने सर सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब का स्वार्थ है, मतलब इनका स्वार्थ कैसा, जैसे मैं एक जने को जानता हूँ मेरे ऑफिस में ही है, सारे बड़े लीगल बड़े बड़े हाथी के काम आ जाए नहीं, फोन पे निपटा देता है, लेकिन लफड़ा क्या मालूम है उनको, थोड़ा सा वैल्यू देना पड़ेगा, नहीं क्योंकि रॉयल इंसान है तो उसको एक उसका एक वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो चीज है। बाकी लॉयल इंसान है और हम मतलब सारी चीजें अच्छी है उसमें, लेकिन तकलीफ क्या है कि उसको एक ये काम करके नहीं करेगा, प्लीज जरा थोड़ा सा उसको पॉलिश मारनी पड़ेगी। ये केस में मैं उसको सेल्फिश बोल सकता हूँ, है ना? उसके बाद में इसको है ना, घर बैठे काम करके ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर जैसे आपकी वाइफ है, आप चाहते हो कि घर बैठे ही कुछ जुगाड़ लगा देती है, घर पे बैठे अच्छा बैठे सर, कुछ
अच्छा फ्लैट चाहिए, हमारे बाजू वाला खाली है, 5,000 रुपया लगेगा टोकन मनी ऐसा है ना, दिलवा देंगे हम फ्लैट वाला तो है हमारे बाजू में, लेकिन 5,000 रुपया थोड़ा कमीशन लगेगा हमारा दलाली का ही, तो ये बैठे बैठे मतलब शांति से बैठे बैठे पैसा छापो। और ये बंदा जो है ना जिसका मैं अपने ऑफिस में बोल रहा हूँ, वो घर पे बैठे बैठे कैसे पैसा छाप रहा है मालूम है, मेरे ऑफिस में बैठता है, ऑफिस की पगार ले रहा है, और बैठे बैठे दिन में 2-3 बार शेयर मार्केट में गेम करता है। देखो शेयर मार्केट का भी नंबर हो सकता ही है, क्योंकि बैठे बैठे पैसा कहाँ से आता है, तो शेयर मार्केट में काम कर सकता है ये नंबर, ठीक है ना। लेकिन डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी देख लेना, ऐसा नहीं है कि पास हमको कुछ आता जाता नहीं है, सर ने बोला है 17 नंबर ले लिया, 17 17 3 बार ले लिया सर, ये लैपटॉप खोल के हम बैठ रहे हैं आपका नाम लेके, अरे साले डूब जाएगा, मेरे को फोन करेगा मैं गाली गाएगा, तो ये नहीं करना है, बिना नॉलेज के कहीं पर भी नहीं कूद जाना है। और दूसरा चीज, मोबाइल नंबर को कम से कम 3 4 महीने देना, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर 2 घंटे में फायदा दे रहे हैं, थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है, किसी को 2 दिन में दिख रहा है, लेकिन एक अच्छा इफेक्ट के लिए 2 से 3 महीने। और ये 2 3 महीने में आपको क्या करना है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें करनी है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब जगह पे फैला दो इस नंबर को, नहीं तो भी मीनाक्षी जी ने नंबर ले लिया, 2 महीने बाद बोलते सर मेरे का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा मीनाक्षी जी नंबर कहाँ है, तो पड़ा है सिम कार्ड में, व्हाट्सएप कौन सा है, वही पुराना नंबर, बातें किससे, वही पुराना नंबर, ऐसे कुछ नहीं होगा, मेरे पास कुछ आते हैं ऐसे लोग। तो देखो चीज है, आपने नया नंबर लिया उसको, अभी मेरे केस में तो क्या दर्म न्यूमरोलॉजी में 10 जगह पे नंबर चला जाता, दफा दफ दफा दफ वायरल हो जाता है, क्योंकि हर मैसेज के नीचे में अपना नंबर लिख देता हूँ। यही करना है आपको कि नया सिम कार्ड लिया, व्हाट्सएप ग्रुप में चेंज किया, सबके पास में नया नंबर चला गया, और आप जो सुबह सुबह शायरी वायरी है जो